अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल क्रैक वन वीडियोज़ में। नाज़रीन, आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान टीम की शानदार फतवात हासिल होने के बाद अब पाकिस्तान टीम दौरा करने जा रही है टीम इंग्लैंड का। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के नए चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने पाकिस्तान टीम के स्काउट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम के इस स्काउट में कौन कौन से खिलाड़ियों की वापसी हुई है पुराने खिलाड़ियों की और कौन कौन से खिलाड़ी पाकिस्तान टीम से बाहर हो चुके हैं, तमाम तर तफसील आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी हैं कप्तान बाबर आजम के फ़ैन और पाकिस्तान टीम के फ़ैन तो जल्दी से इस वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि वक्त पर आप दोस्तों को क्रिकेट की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मौसूल होती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कब खेला जाएगा जबकि दूसरा और तीसरा T20 मैच किस तारीख को खेला जाएगा, मैचों का शेड्यूल सामने आ चुका है वो भी बताएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच 22 मई को खेला जाएगा जबकि दूसरा 24 मई को जबकि तीसरा 26 मई को खेला जाएगा। नाज़रीन, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज़ होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो पाकिस्तान टीम का स्काउट है वो क्या है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान टीम के स्काउट के हवाले से तो पाकिस्तान टीम के स्काउट के हवाले से बात करें तो नंबर 1 पर कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान टीम के स्काउट में शामिल है। नंबर 2 पर सैम अयूब। नंबर 3 की अगर बात करते हैं फ़खर जमान। नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो उस्मान खान, जबकि नंबर 5 की बात करते हैं तो चाचू इफ्तखार। नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर। नंबर 7 की बात करते हैं तो अमाद वसीम। नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो नसीम शाह। नंबर 9 की बात करते हैं शाहीन शाह आफरीदी। नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के स्काउट का हिस्सा बनाया गया है पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर के थ्रू शादाब खान को। अगर नंबर 11 की बात करते हैं तो उसामा मीर पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 12 की बात करते हैं तो नंबर 12 पर फहीम अशरफ। नंबर अगर 13 की बात करते हैं तो पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो नंबर 14 पर पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। अगर नंबर 16 की बात करते हैं तो नंबर 16 पर पाकिस्तान टीम के मायानाथ बल्लेबाज विकेट कीपर आजम खान पाकिस्तान टीम के स्काउट का हिस्सा होंगे।